हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस नॉलेज में। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो बात करने जा रहे हैं एसएससी जीडी का जो री मेडिकल होने वाला है, उस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे बंदों को जो है माइनर पॉइंट्स के लिए छाड़ दिया गया है। आज जो है वही सारे पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, उस पॉइंट्स को आप रिकवर कैसे कर सकते हैं, उस पॉइंट्स को आप ठीक कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको जॉब की हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं री मेडिकल की। दोस्तों, जिन 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 बंदों का जो री मेडिकल होने वाला है, दोस्तों उनके पास जो काफ़ी अच्छा टाइम है, काफ़ी अच्छा समय मिल गया है दोस्तों, क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस के चलते आपका जो है जिन जिन बंदों का री मेडिकल होने वाला है उनका जो मेडिकल जो है लगभग 3 से 4 मंथ लगेगा उनका मेडिकल होने में। तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, आपको किसी भी पॉइंट्स में आपको छांटा गया है, आप उसे रिकवर कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो हम बात करेंगे उन पॉइंटों का कि किन किन पॉइंटों के लिए जो बंदों को है जो है छांटा गया है, क्योंकि दोस्तों मेरे भी जो बहुत सारे दोस्त हैं उनको भी जो है सिर्फ माइनर पॉइंट्स के लिए जो है छांट दिया गया है। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे पॉइंट्स की। दोस्तों, सबसे पहले जो है आँख, आँख में जो दोस्तों बहुत सारे बंदों को जो है छांट दिया गया है। और फिर दूसरा पॉइंट जो आता है दोस्तों, उसमें जो है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस में भी दोस्तों बहुत सारे बंदों को जो है छांटा गया है। और इसके बाद जो दोस्तों है वो स्लिप चेस्ट, स्लिप चेस्ट में भी जो है बहुत सारे बंदों को जो है दोस्तों छांटा गया है। और चौथा जो है पॉइंट दोस्तों, वो जो है फीबल माइंडेड, फीबल माइंडेड का मतलब होता है दोस्तों कि मंद बुद्धि। बहुत सारे बंदों का जो है मंद बुद्धि, जैसे उनका दिमाग जो स्टिक काम नहीं करता, कोई भी वहाँ पर जो है बंदे को बोलता है कुछ करने के लिए तो वो जो है फास्ट काम नहीं करता, बहुत स्लो स्लो काम करता है, उसको जो मंद बुद्धि बोलते हैं। और चौथा जो पांचवा जो पॉइंट है दोस्तों, वो जो है नोज, नोज में भी जो बहुत सारे बंदों को छांटा गया है। और छठा जो पॉइंट है दोस्तों, वो है नोकनी, नोकनी में भी जो दोस्तों बहुत सारे बंदों को छांटा गया है। और चौथा जो पॉइंट है दोस्तों, वो है फ्लैट फुट, फ्लैट फुट में भी जो है दोस्तों बहुत सारे बंदों को जो छांटा गया है। और जो है आठवां जो पॉइंट है दोस्तों, उसमें जो है ट्रेवलिंग ऑफ हैंड्स, ट्रेवलिंग ऑफ हैंड्स का मतलब होता है दोस्तों आप हाथ कांपना, मतलब आप जैसे यहाँ सीधा करोगे आपका हाथ जो है कांपने लगेगा, आपका हाथ जो है हिलने लगेगा। दोस्तों, ये सारे पॉइंट्सों के लिए जो बंदों को जो छाड़ दिया गया, इससे आप रिकवर कैसे हो सकते हैं, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहते हैं ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसमें आपके पास जो है दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दोस्तों, आप ये सारे पॉइंट्स जो है डॉक्टर के पास भी जाके ठीक करा सकते हैं और घर पर भी ठीक कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों आपको सजेस्ट करूंगा, आप पहले जो डॉक्टर से मशवरा ले लीजिए इस सब पॉइंट्स के ऊपर, और घर पर भी आप मेहनत करते रहिए तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, ये सारे पॉइंट जो मैंने भी आपको जितने पॉइंट्स बताए दोस्तों, अगर आपको इस सारे पॉइंट्स में किसी पॉइंट से भी छांटा गया है, या अगर आपको किसी भी पॉइंट से प्रॉब्लम है, आपके आँख में, कलर ब्लाइंडनेस में, स्लिप चेस्ट में, आप का जो है फेबल माइंडेड है, नोज में, नोकनी में, फ्लैट फुट में, ट्रेवलिंग ऑफ हैंड में, तो आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमें, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कीजिए, और वो आप अपनी प्रॉब्लम लिख के हम उसके टॉपिक पर जो है दोस्तों आपके लिए एक विशेष वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे, उसको रिकवर होने का तरीका बताएंगे, आप कैसे जो है उस पॉइंट से जो है आप रिकवर हो सकते हैं। तो दोस्तों, जिन जिन बंदों को किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होगा तो वो नीचे कमेंट कर दें कि हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम है, इसे हम रिकवर कैसे हो सकते हैं। मान लो किसी बंदों को आँख में प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दें आई में, किसी को कलर ब्लाइंड है तो कमेंट कर सकते हैं कलर ब्लाइंड, किसी को दोस्तों किसी का हाथ हिल रहा है तो उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं कि मेरा जो हाथ हिलता है उसमें आप कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे रिकवर हो सकते हैं। दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स जो है आप जो है कमेंट कर सकते हैं। इसकी जो वीडियो दोस्तों, मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके जो सारे जो रिकवर होने का जो तरीका है वो आपको बता दूंगा, और दोस्तों आपको जो ये वीडियो बहुत ही जो है काम आने वाली है। दोस्तों अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी प्रकार का भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद।